एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइम अभी 7:30 हो रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी से रेडी हो गई हूँ और हमारी गाड़ी भी आ गई है, तो बस अब मैंने चलना है बैग उठा के, इसको भी लेके जाना है। अब चल, तेरा टाइम आ गया है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, अभी आधा रास्ता क्रॉस किया हुआ है, ज्यादा नहीं 5 मिनट के लिए रुके हुए हैं यहाँ पे। A few moments later. तो यहाँ पे सुबह से शाम हो जाएगी और मेरे को अभी मम्मी का फोन आया था कि आज करवा चौथ है। वैसे मेरे को याद थी पर मैं थोड़ा भूल गई थी, तो मेरे को घर जाना पड़ेगा और गाड़ी हमने साइड में लगा दी है। इसके बाद अनलोड होगी तब हम आने लग जाएंगे घर से। पता नहीं मैं आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि करवा चौथ है और मम्मी के साथ घर में भी इतनी सारी तैयारियाँ करनी है। तो गाड़ी को यहाँ पर लगा के अब चलते हैं हम बस ले कर घर, क्योंकि ड्राइवर है हमारे, वो खुद देख लेंगे इसके आगे। 8:14 हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि गाड़ी अभी लेट उतरनी है और जब उतरने लगेगी तब हम आ जाएंगे वापस से। मैं निकला गड्डी लेके रास्ते पे, एक मोड़ आया, मैं छोड़ आया, पहुंच के घर, अपने घर।
क्योंकि हमारे गाड़ी नजदीक ही खाली है, इसलिए बाहर नहीं बदले हुए हैं। तो अंकल ने बोला है कि अभी पता नहीं कब गाड़ी खाली होगी, दोपहर के बाद। तो हम आगे घर, उनके खाना भी नहीं खाया, खाना वाना खा के उन्होंने बोला था कि कर देंगे फोन, अब फोन कर देंगे वो, तब हम दोबारा से चले जाएंगे गाड़ी लाने के लिए। आज तो मैंने चलाई है लोड गाड़ी, वो तो पास में था तब आगे हम, वरना दूर होता तब तो गाड़ी में रहना पड़ता हमें। Hours later. दोस्तों आज मैं भूल ही गई थी कि आज करवा चौथ भी है, और अभी मम्मी की शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ साथ में। हमने रात को थी, आज सुबह नहीं रही थी यार, कि शॉपिंग करने भी जाना होता है उसके लिए। मैंने दोबारा से बाल बनाए क्योंकि वो थोड़ा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा था मम्मी के बोलने पे, हेयर स्टाइल चेंज किया। एक बज गया है पूरा, के साथ घूम घूम के मेरी आदत खराब हो गई। कितना बड़ा बैग उठाया हुआ है मैंने, 2 किलो का। आंटी के फोन खराब हो गया है यहाँ पे, तो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने बुलाया हुआ है आंटी को कि ठीक नहीं हो सकता है आपका फोन। माय फ्राइड मोमोज, माय मम्मी, खा नहीं सकते आज के। 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया मेरे को यहाँ पे मोमो खाते हुए, पर इन मोमो करते स्टार भी वैसा ही है जैसे पहली बार खाया था। आइसक्रीम, ठंड के दिनों में आइसक्रीम। इनका व्रत है इसलिए मेरे को घर ही जाना पड़ रहा है, बहुत सारी तैयारियाँ भी करनी होती है, और हमारे ड्राइवर हैं वो गाड़ी लेके खुद आ जाएंगे, देखते हैं अभी क्या बनता है हमारे से। तो चलो हम घर पहुंच गए, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम क्या क्या लेके आए हैं। सिर्फ ये, इसको लाने के लिए मम्मी मेरे को इतने दूर लेके गई थी, और 2 मैं स्वेटर ली हैं और कुछ ज़्यादा नहीं लिया। गाइस मुझे एक अभी पार्सल रिसीव हुआ है, और किसी ने मेरे सब्सक्राइबर मुझे गिफ्ट भेजा, और इस पर मेरा नाम लिखा है ये, और ये ब्रेसलेट है, बहुत ही छोटू सा है पर आ जाएगा हाथ में, और इस पर स्पेशल मेरा नाम लिखा हुआ है। ये तो मैंने बाद में देखा, NEO 2529, वाह बहुत अच्छा है। ता भी दिया करो कि कौन भेज रहा है ये गिफ्ट मुझे। जिस किसी ने भी ये पार्सल मुझे भेजा है, बहुत ही प्यारा पार्सल है और बहुत ही अच्छा ब्रेसलेट है, और मेरे को काफी पसंद आया। पर आप लोग इतना खर्चा क्यों करते हो, मेरे पास सब कुछ है पर आपने इतने प्यार से भेजा तो मैं रख लूंगी। थैंक यू सो मच। Hours later. करवा चौथ की पूरी तैयारी हो गई है। मिठू 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 खाऊंगा मैं। देखने के बाद आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।